आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गोवा आर्ट कॉलेज के छात्रों द्वारा भगवान विष्णु के 10 अवतारों को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। आर्ट ऑफ कल्चर विभाग गोवा के सौजन्य से 17 सदस्यीय दल ने इस पेंटिंग को तैयार किया है। बीते 2 सप्ताह से छात्रों द्वारा इसे तैयार किया जा रहा था। भगवान विष्णु के 10 अवतारों सहित श्री बद्रीनाथ के चित्रों को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। ये पेंटिंग श्री बद्रीनाथ धाम में भारत के पहले गांव माना जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित की गई है। तो हमें यहाँ पर एक्चुअली गोवा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से लाया गया है गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट को, और यहाँ पर हमें एक टीम दी है जो भगवान विष्णु जी के ऊपर हमने दशावतार उनके जो दशावतार सीरीज है वो बनाई है, और कुछ विश्व रूप और शेष शैया पर विराजमान विष्णु जी, और साक्षात यहाँ पर बद्रीनाथ की भी हमने जो पैनल बनाए हैं। गोवा आर्ट कॉलेज के छात्रों ने बताया कि उनकी टीम ने मौसम की विपरीत परिस्थितियों में ये पेंटिंग बनाई है। मेरा नाम गीता देसाई है। हम यहाँ उत्तराखंड बद्रीनाथ में पेंटिंग प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। यहाँ हमें विष्णु जी के जो दशावतार और के जो अवतार है उनका पेंटिंग और म्यूरल बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। मैंने यहाँ वामन का अवतार किया है जो विष्णु जी के 5वें अवतार है। वहीं भगवान विष्णु की पेंटिंग तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सभी छात्रों के हुनर की सराहना कर रहे हैं। हम लोग बद्रीनाथ आए थे और ये कपाट खुलने के अवसर पर, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये गोवा फाइन आर्ट्स के कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सुंदर पेंटिंग यहाँ पे की है, और जो कि यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में विभिन्न जगहों पे वॉल पे लगाई गई है।